गुड मॉर्निंग बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, दैट इज चैप्टर नंबर 7. यस जसलीन. मैम, आई हैव अ डाउट. यस यस, लुक हियर बेटा, इन दिस चैप्टर यू हैव सीन द वर्ड, न्यू वर्ड कॉन्ग्रेंस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रेंस? अब देखो, इधर दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंस, एक होता है सिमिट्री. ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंस होता है या कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर, ठीक है, जो कॉन्ग्रेंट होता है, कॉन्ग्रेंट का मीन्स होता है सेम शेप एंड सेम साइज. जैसे आप किसी फैमिली फंक्शन पे गए, आपके किसी रिलेटिव ने आपको देखा और वो आपको कहता है कि आपके आप तो अपनी मम्मा के जैसे लगते हो, कहते हैं ना. अब मम्मा के जैसे लगते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है आपका फेस मम्मा के जैसा लग रहा है, सेम लग रहा है देखने में, पर उसकी शेप और साइज तो सेम नहीं है ना. तो जब सिर्फ देखने में चीज सेम होती है, जैसे एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है तो ये दोनों सर्कल ही, ठीक है, तो ये सिमिलर होते हैं. ये क्या होते हैं? सिमिलर, जिसमें सिर्फ सेम शेप होती है, ठीक है. जैसे कहते हैं ना, आप तो अपनी, ये तो अपनी मम्मा जैसा है, सिमिलर है, आप तो अपनी मम्मा की कॉपी हो, ऐसे कहते हैं ना कई बार, तो ये वो उसको कहते हैं सिमिलर. सिमिलर मीन्स द फिगर्स दैट आर हैविंग जस्ट सेम शेप, और जिसमें शेप और साइज दोनों ही सेम हो जाए उसे कहते हैं कॉन्ग्रेंट. ठीक है, ये नोट कर लो. इसमें क्या होगा, मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि मुझे ये सारा रब करना है. आई विल गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर. ये नोट कर लो, ये कॉन्ग्रेंट का मीनिंग है, ये सिमिलर का मीनिंग है, दोनों पता होना चाहिए आपको. Now look here, देखो इधर example, two line segments are congruent if they have same length. ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स, when two line segment will be congruent when they have same length, like if one is of 2 cm another should be of 2 cm, then you can say that two line segments are congruent. Okay, first example. Second, two squares are congruent if they have सेम साइड्स. ठीक है, अगर
दो स्क्वायर हैं, दोनों की साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, देन ऑल बोथ द स्क्वायर विल बी एग्जैक्टली सेम, इज इट सो? अगर आपने एक 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाया एंड अनदर वन इज ऑल्सो ऑफ द सेम साइड 4 सेंटीमीटर, देन बोथ विल बी सेम एंड दे विल ओवरलैप ईच अदर, इज इट सो? ना, अगर 4 सेंटीमीटर साइड है तो स्क्वायर क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम होंगे. सो देन ओनली यू कैन से दैट दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट. इज इट क्लियर? नाउ टू सर्कल्स, व्हेन टू सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट? कैन यू टेल मी व्हेन टू सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट? इफ दे हैव सेम रेडियस, इफ दे हैव सेम रेडियस. दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टॉपिक विल अगेन कॉन्टिन्यू इन क्लास 9 एंड देयर नोबडी विल एक्सप्लेन यू सो डीपली. दे विल कंसीडर दैट यू हैव डन दिस इन 7th क्लास वेरी डीप, इन द वेरी डीप मैनर. सो दे विल कंसीडर दैट यू न्यू ऑल द कंसेप्ट प्रॉपरली. सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन द 7th क्लास ओनली. टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस. फोर्थ, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ. सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ. अगर किसी दो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ सेम है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देन दे विल ओवरलैप ईच अदर, दे आर एग्जैक्टली सेम, देन वी कैन से दैट दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट. व्हेन यू कट टू पीस, टू रेक्टेंगुलर पीसेस, दे विल ओवरलैप ईच अदर, व्हेन यू प्लेस वन ओवर द अनदर इट विल कंप्लीटली कवर द अनदर, देन यू कैन से दैट बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. Next example is two angles are congruent if they have same measurement.
नाउ लिसन, नाउ लिसन, एक्चुअली वी हैव डन सर्कल, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, लाइन सेगमेंट, एंगल. नाउ दिस चैप्टर, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, वी विल टॉक अबाउट कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ, जैसे यहां पर तो एक चीज से आपने कह दी ना, रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड सेम है तो कॉन्ग्रेंट हो गए, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ ट्रायंगल. In case of triangle, you have five properties, and on the basis of those five properties, you can say that two triangles are congruent. ठीक है? One by one, we will consider all the properties, and we will do the question related to that. First property is, listen. Wait. Congruence of triangle. First is S S S. That is side side side. ठीक है? देखो इधर. अगर किसी दो ट्रायंगल की, ये दो ट्रायंगल बनाए, इसका नेम है A B C, इसका नेम है D E F. अगर इसकी A B side D E के इक्वल हो जाए, B C side E F के इक्वल हो जाए, और थर्ड साइड D F के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं if all the three sides of one triangle is equal to corresponding sides of another triangle, if all the three sides of one triangle is equal to the corresponding side of another triangle, then triangle ABC is congruent to, ye symbol hai congruent to ka, congruent to triangle DEF. Is it okay? If all the three sides of this triangle is equal to the three sides of this triangle, then we can say that both the triangles are congruent. Done. Next, देखो. Second property is SAS. ठीक है? SAS. Second property is SAS. मैं इसी में कर रही हूं, आप देखो एक मिनट. Name क्या है property का? Side, angle, side. ठीक है? दो साइड के सेंटर में एंगल आएगा, दो साइड के सेंटर में एंगल आएगा. व्हेन यू कंबाइन टू साइड्स, वन एंगल इज फॉर्म्ड हियर, इज इट सो? व्हेन यू कंबाइन टू साइड्स, दे विल मीट एट वन कॉमन वर्टेक्स, एंड एट द कॉमन वर्टेक्स देयर इज वन एंगल. सो द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज, इफ द वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल, and the second side is equal to the second side of this triangle, and one angle that is formed between the two side is equal to the corresponding angle between the two equal side, then you can say that triangle is congruent by side angle side.
अगर ये साइड होती तो, अगर ये दोनों साइड होती तो एंगल कौन सा होता? सी, ठीक है? अगर ये दोनों साइड होती तो एंगल कौन सा होता? ए। तो डिपेंड करता है कि जिस साइड की हम बात कर रहे हैं उसके बीच में एंगल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है? ए बी सी ये साइड है, कोई भी साइड हो सकती है बच्चे, ये हमारी मर्जी नहीं है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है? व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इट साइड बाय साइड। इफ टू साइड्स, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड का मतलब समझ गए? टू साइड के बीच में इंक्लूड होने वाला एंगल। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। चेंज द नेम, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज एसएएस, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज एसएएस। यस लिसन, थर्ड इज ए एस ए, एंगल साइड एंगल। देखो इधर ये ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, नेम कैन बी एनी, यू कैन टेक एनी नेम। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल के बीच वाली साइड इसके इक्वल है। इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। गॉट इट? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए एस ए। इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। इज इट ओके? यस लिसन बेटा, सी वन थिंग, बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टी
एस से मीन्स एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में इंक्लूड होने वाली साइड. बट हेयर इन दिस वी कैन हैव वन मोर वे. इन दिस यू कैन हैव टू एंगल्स बट द साइड इज नॉट इंक्लूडेड. इट कैन बी एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. एक तो होता है ना एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल. लेकिन एक ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है साइड इसके बीच में इंक्लूड ना हो रही हो. इट कैन बी एनी अदर साइड ऑफ द रिमेनिंग टू. तो हमने ये साइड ले ली. तो दीज टू एंगल एंड द साइड. सो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी विल बिकम एंगल एंगल साइड. Angle, angle, side. Got it? So if two angles and one side of one triangle is equal to the corresponding angles and one side of another triangle, then triangles are congruent. By which property? AAS. Got it? So one last property is there that I am discussing, because after that time will be over. So let me discuss the property, then you all please take your time to note down the things. Okay? Let me explain. Next property is RHS, right hypotenuse side. The name of the property is right hypotenuse side. Wait. ठीक है. राइट मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज मीन्स लॉन्गेस्ट साइड, एंड साइड मीन्स एनी अदर साइड. तो दिस यू विल अप्लाई इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. दिस प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ वन एंगल इज अ राइट एंगल. देखो राइट मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज मीन्स द लॉन्गेस्ट साइड विच इज ऑपोजिट टू राइट एंगल, ये साइड, एंड द साइड मीन्स any of the side from the remaining two. तो आप ये side भी ले सकती हो और base वाली भी ले सकती हो. तो right means right angle, hypotenuse means longest side, and side means any of the remaining two legs. Legs. Did you remember about this word legs that we did in the chapter triangle where we did Pythagoras theorem? तो any of the remaining two legs will be considered as the what they will be considered as? They will be considered as the remaining side of the third side of the congruent triangle. So the name of the property will become right hypotenuse side. ठीक है? So here what you will do? It is clear from the name. One right angle. आप यही draw कर लो. It will make your things clear. So triangle ABC, sorry, PQR will be congruent to triangle ABC. If you want the explanation, that I can tell you the page number where it is written.